चिकन है ना, हड्डी से पूरा निकाल दिए, नरम गोश है, इसको चीमा पीसे, इसमें सब मिला रहे हो। दो काली मिर्ची, दो हरी मिर्चियाँ, एक आधा चम्मच काली मिर्ची का पाउडर, थोड़ा पत्ता गोभी। ये चिकन है, चीमा पीसे इसका। नमक डाले आधा चम्मच, ये है ना कोथमीर है थोड़ी, हरा धनिया, दो प्याली आटा भिगा दो, फ्रिज का ठंडे पानी से भिगा, तेल डाले, नमक डाले, मैदा है ये दो प्याली, इसका मोमोस बनाने का। आटा एक 15 मिनट भिगना, थोड़े दिन भिगाने को रख दिए। ये चटनी है मोमोस के साथ, ये टमाटर सॉस है, ये लहसुन है, ये 3 टमाटे है, ये 5-6 हरी मिर्ची है चटनी पीसने की। उबालने के वास्ते पानी में डाल रहे, गर्म पानी में। ये मिर्ची है, लाल मिर्चियाँ हैं 6-7। ये खीमा सब रखे थे जब से मैरिनेट करके, अब इसमें 1 चम्मच सोया सॉस डाल रहे। ये 1 चम्मच ये अच्छा सब सूखी निकाल दिए इसके, जरा ठंडा होने के बाद ग्राइंडर करना है, पीसना है, नमक डालना है, लहसुन डालना है, इसमें पूरा छिलके निकल गया, इसमें जरा ठंडा होना है बारीक, अब उबल जाने के बाद ग्राइंड करें इसको। अब इसको बघारना है, 1 चम्मच तेल डाले, इतनी लहसुन डाल रहे, देखो 10-15 पोटियाँ काटे इसके लहसुन के, पक्की तल लेना इसको, प्याज को, लहसुन, ये तो हो गया। थोड़ा सोया सॉस, टेस्ट के हिसाब से नमक डाल देना अपने को जितना लगता होता, थोड़ी शक्कर, थोड़ा सब डाल दिए ना, ये थोड़ा पकाना, इसको मिक्स हो गया अच्छा चटनी को, 5-10 मिनट जरा पानी सूखे तक पका। ये चटनी बन गई, अच्छा पानी सूख गया, बस इसको बंद कर देना है, वैसे ही पकाना, ऑयल से इसको ऐसा ग्रीस कर लिए पूरे अच्छे से। ये रख अलग अलग शेप दिए हम लोग, फिफ्टीन मिनट तक स्टीम देना है।
15 मिनट्स हो गया, अब इसको निकालेंगे। ये थोड़ा सा ठंडा होने के बाद में निकालेंगे। ये ठंडा हो गया, अब इसको निकालेंगे। ये छोटा वाला